हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी बबीता किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ बर्फ़ी की रेसिपी। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और हर त्यौहार पे मिठाइयाँ तो सबके घरों में बनती हैं। आज हम इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई थी, उसको मैंने छान लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके देसी घी मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी मिला सकते हैं, लेकिन देसी घी से हमारी मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा थोड़ा घी करके इसमें मिक्स करते जाएं और मिलाते जाएं, और उतना मिला लें जिससे कि हमारी ये मिल्क पाउडर की मुट्ठी सी बन जाए। देखिए जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये इसकी अब मुट्ठी सी बन चुकी है। बस इसमें इतना ये घी हमने मिला लिया है। इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब घी मिलाया है हमने। अब इसको रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं हम चाशनी की तैयारी। जिस कटोरी से मैंने मिल्क पाउडर लिया था, उसी से हम एक कटोरी चीनी लेंगे और उसी से हम एक कटोरी इसमें डालेंगे पानी, और गैस को कर देंगे ऑन, और इसको मेल्ट होने तक हम अच्छी तरह से चाशनी को पकाएंगे। तब तक हमारी ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें पकाते रहना है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। लो फ्लेम पे हमें चाशनी को धीरे धीरे करके पकाते रहना है जब तक इसमें एक तार ना बन जाए। अब जब तक हमारी चाशनी पक रही है, इतने हम प्लेट तैयार कर लेते हैं अपनी मिठाई के लिए। ये मैंने थोड़ा सा इस पर देसी घी डाल दिया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, मैंने ऐसे ही देसी घी लगाकर मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, उसको इस पर डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। ये अच्छी लगेगी बर्फ़ी हमारी देखने में। और जैसे ही हमारी बर्फ़ी तैयार होगी, हम तुरंत इस प्लेट में पलट देंगे, इसलिए हम इसको पहले से तैयार करके रखेंगे। अब इसको रख देती हूँ मैं साइड में। अब देख लेते हैं, अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। अब देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है और अच्छी तरह से इसमें झाग बन रहे हैं। इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें अभी तार बनाए कि नहीं। और ये बहुत जल्दी से बन जाती है बर्फ़ी, बहुत कम टाइम लगता है। अभी थोड़ी सी कम है, तार अभी नहीं बना है इसमें। अभी थोड़ी देर और इसको हम पकाएंगे। इसको थोड़ी देर और चलाते हुए हमें धीमी गैस पर पकाना है, अच्छी तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, और बहुत कम बजट में ये बन के तैयार हो जाती है। और मिल्क पाउडर तो हर किसी के घर में अधिकतर होता ही है, क्योंकि किसी ना किसी रेसिपी में ये काम आता ही रहता है। अब देखिए ये हमारा एक तार बनने लगा है, आपको दिख रहा है, देखिए वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, ये तार बन रहा है। अब इसी स्टेज पर हमें ये अपनी चाशनी में ये जो हमने मिल्क पाउडर घी का तैयार किया था, उसे इसमें ऐड कर देंगे। ये चाशनी के अंदर मिल्क पाउडर डाल के अब इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे। चाशनी के साथ अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर को, और इसको हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। और इसको तब तक चलाते रहना है जब तक इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो इसमें बहुत कम गुठलियाँ पड़ी हैं, क्योंकि इसमें हमने घी मिक्स किया है, तो इसमें काफ़ी मिठाई में, इसमें बर्फ़ी में हमारी में तरावट आ गई है, तो इससे इसमें गुठलियाँ नहीं। और देखिए कलर भी कितना वाइट हो रहा है इसका, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। और बहुत अच्छी बर्फ़ी इसकी बन के तैयार होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए ये अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है, इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाया है। अब हमने जो प्लेट तैयार की थी उसमें ये मिल्क पाउडर का बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसको किसी स्पैचुला से अच्छी तरह से दबा के इसे थोड़ा सा इसके ऊपर, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, इसको चिकना सा कर लेंगे। इसको अच्छी तरह दबा के ये 10-15 मिनट में अच्छी तरह से सेट हो जाती है। अब ये देखिए मैंने इसको सारी को सेट कर लिया है। अब इसको है ना, पहले ही मेरी बेटी ने कट कर दिया था, मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जल्दी होती है मिठाई खाने की,
तो अब ये देखिए, ये हमारे बर्फ़ी के पीस ये उसी ने कट किए हैं, कितने सुंदर बर्फ़ी के पीस बन के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको ये एक पीस है ना तोड़ के दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर एकदम बहुत बढ़िया आया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मार्केट के जैसी है ये बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हुई है।